यहाँ पर कुत्ते का मांस खाना पसंद करते हैं लोग सबसे ज्यादा। अब मेरे सामने टैंक आया, सारे अंग्रेज उठा रहे थे, किसी से उठा किसी से नहीं उठा, मैंने इंडियन पावर दिखाई और तुम्हारे भाई ने देखो जंगलों में हम इस टाइम, वो बोलते हैं यहाँ के जो मच्छर काटते हैं बड़े डेंजर है। ये वाली चीज तो गजब थी, एक जगह से निकलो दूसरी जगह से बाहर आता था इंसान। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने कूची टनल, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। हमने पैकेज लिया था आपको लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, और बहुत तेज धूप हो रखी है आज, सनस्क्रीन लगाना हम भूल गए, तो यहाँ से लग जाएंगे हमें 1 घंटा लग जाएगा, 1 या आधा घंटे के बीच अभी जा रहे हैं। और ये जो टनल है अमेरिका वॉर के टाइम पे यूज़ की गई थी, मैं आपको वहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ख्याल रखना पड़ता है, मैं भी फ़ोन का इस्तेमाल बड़ा देख देख के कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे छीन के ले जाता है फ़ोन को। वे बता रहे थे यहाँ के लोकल बंदे कि संभल के रहना भाई, फ़ोन वोन का ख्याल रखना, चेन वेन होती है तुम्हारी वो भी, मतलब यहाँ ऐसी वारदात होती रहती है, नॉर्मल बात है, आम बात है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। आप भी अगर वेतना माओ अपना संभाल के रखना, फ़ोन को संभाल के रखना, चेन गोल्ड चेन है, मतलब अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना, चोर चक्के बहुत है यहाँ पर। छीट आ रही है, दूर हो जाओ थोड़ा, ज़्यादा दूर ना हो, पूरी रोड क्लीन होगी एक बारी में। कॉफ़ी पी लेते हैं चलो, पहले जाने से पहले एनर्जी आ जाएगी थोड़ी मस्त। कहाँ बैठे? तुम्हारी तो कॉफ़ी बढ़िया आई है, मेरी तो छोटी सी है, टेस्ट करता है, टेस्ट करके देखता बढ़िया नहीं है, क्या पता इतनी बढ़िया हो छोटी वाली, आई नहीं रही। भाई आती है तो कितने की दिए थे? ये 250 रुपए की है, 250 की, 100 ग्राम भी नहीं है, इतनी आधी 4 चम्मच होगी है तुम्हारी तो, सही है बढ़िया, बर्फ ज्यादा बर्फ लग रहा हो जाएगा तुम्हारे। चाइना, नाइजीरिया, अंटार्कटिक के बाद वियतनाम चौथे नंबर पे है, जहाँ पर कुत्ते का मांस खाना पसंद करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा सोचते हैं प्रोटीन है, तो पालतू कुत्ते आपको एक दो दिख जाएंगे, रोड वाले कुत्ते तो दिख ही नहीं रहे, गायब कर दिए उन्होंने सारे। तो भाई अभी हम बैठ चुके हैं अपनी बस के अंदर और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हमें कोई अपने हिसाब किताब वाला मतलब अपने देश का कोई नहीं दिख रहा, हम तीन ही हैं और पता नहीं इधर उधर कहीं पर देखते हैं, मतलब पूरी की पूरी बस आई हमें पिक करने और देखे। तो हो चिन मिन सिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छा है, मतलब बहुत साफ सुथरा है यार, अच्छा लगता है देख के। यार दिमाग खराब हो गया बैठे बैठे, इतनी ज़्यादा रेड लाइट, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब 1.5 से 2 घंटे हो गया मैं यहाँ बैठे बैठे, इतनी देर में तो इंडिया में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, एक नींद आ रही है बैठे बैठे यहाँ पे इतनी, 2-2 मिनट में ट्रैफिक लाइट, 2-2 मिनट में ट्रैफिक लाइट, बारिश हो गई है बहुत तेज, मौसम हो रखा है गजब। तो अभी हमारी बस रुकी है और हमें यहाँ पे लाए हैं और ये आर्ट वर्क दिखा रहे हैं, और ये जो आर्ट बना रहे हैं लोग जो आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये हैंडीकैप लोग हैं, और मैं दिखाता हूँ इनकी कलाकारी आपको। आई ये वो जगह है जहाँ वियतनाम और अमेरिका के बीच में जब जंग हुई थी, कुछ लोगों के पैर खराब हुए थे, कुछ सैनिक थे, तो ये हैंडीकैप लोग हैं यहाँ पे, ये अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन दिखाते हुए, ये देखिए ये एग शेल से, अंडे के छिलक से ये बना रहे हैं, तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, और ये चीज़ बिकाऊ है, आप खरीद सकते हैं। और भाई हमने आने से पहले सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हम जंगलों में होंगे, मच्छर बहुत काटेंगे, और स्प्रे हम पे थी नहीं, आसपास के सब लोग बिल्कुल तैयारी के साथ आए थे, तो भगवान भरोसे ही हैं भाई हम। तो अभी हम कूची टनल में आ चुके हैं, वियतनाम युद्ध हुआ था जब 1954 से 1975 तक, इस दौरान युद्ध में लाखों सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और इस दौरान कूची टनल भी बनी थी। अमेरिकी सैनिक इस टनल के अंदर घुसने से बहुत ज़्यादा डरते थे, ये एकदम रहस्यमय टनल थी, जो वियतनाम की सेना थी वो जंगल की लड़ाई में बहुत ज़्यादा माहिर थी, युद्ध के दौरान छुपके से एकदम से अमेरिकी सोल्जर्स को मारकर वो टनल में घुस जाते थे। फ्रेश एयर आ रही है वैसे यहाँ पे, है ना? व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? यू आर राइट। और ये किस लिए? होम्स, ये घर बने हुए हैं ऐसे?
पत्तियों वाले। तो दोस्तों अभी यहाँ पे सब अपना मॉस्किटो से बचने के लिए ना वो स्प्रे विस्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि जंगलों में हम इस टाइम वो बोलते हैं यहाँ के जो मच्छर काटते हैं बड़े डेंजर है, 2-3 दिन तक निशान रहता जहरीले। तो अभी जा रहे हैं, हमने तो हमारे पास तो है नहीं स्प्रे, अब देखते हैं भाई कितने मच्छर काटेंगे लास्ट। इस टनल को 250 किलोमीटर लंबा बताया जाता है और अलग अलग रास्तों से जुड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1964 से 1973 तक अमेरिका ने लगभग 263 मिलियन यानी 26 करोड़ क्लस्टर बम वियतनाम पर दागे थे। 20 साल तक ये लड़ाई चली थी, 30 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे इसके अंदर। कई लोगों को मानना है कि अमेरिका की हार हुई थी, हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 20 साल तक चलने के बाद कोई भी नहीं जीता था। Because it's connected together with the tunnel system. Sorry. Excuse me. What's the different weight of a Vietnamese soldier? Yeah. Because yeah. I would have a small problem. We are fat people. So I want to tell you like this. In the old day, the Vietnamese soldier. तो यहाँ पे इस टनल में जाने के लिए हर एक इंसान यहाँ पे टनल में जाएगा एक एक करके, तो वो मतलब जिसकी हाइट और जिसकी वेट इसके अंदर आ सकते हैं फिट हो सकते हैं, तो एक एक करके लोग इसमें जा रहे थे। तो इस टनल से निकल के दूसरी जगह वियतनामी सोल्जर निकल जाया करते थे, वो छोटी हाइट में थे और पतले से थे तो फ़ायदा उठाते थे, और जो अमेरिकन सोल्जर इसके अंदर नहीं घुस पाते थे। Now, for camouflaging, put the dry leaves on the cover. Okay, hold the cover, put your hands up, straight up. Bend down. Stop. Take photo. Now, continue. You can do it. Oh, it's scary. May someone step up? We just leave can hear you. Yeah. Your hands up like you do. Well done. तो मुझे बोल रहे थे इस टनल में जाने के लिए, मेरे तो बस की नहीं है भाई, क्योंकि मेरी तो हाइट भी लंबी है और थोड़ा सा पेट भी निकला हुआ है, इसमें पतले पतले बंदे जा रहे हैं, छोटी हाइट वाले बंदे जा रहे हैं, और यही है भाई वही फिट हो पा रहे हैं। जंगलों में भी ट्रैकिंग करने का दोस्तों अलग ही मजा है, वाओ मस्त एक्सपीरियंस, मजा आ रहा है। अब ये नेक्स्ट जंगल ले जा रहे हैं हमें कहीं पे। Right here, I want to show you in front of your eyes. This is a regional tunnel. Huh? Put escape by this way. Good thing for them so far from here. फाइनली वो घड़ी आई गई, मेरे सामने टैंक है, मैं भी इसके अंदर जा पाए हम देखते हैं। भाई जितने भी अंग्रेज थे सब ताकत लगा रहे थे कि देखते हम उठा सकते नहीं उठा सकते, किसी से उठा किसी से नहीं उठा, हमने सोचा देखते हम भी उठा पाते, और भाई उठा दिया मैंने, देख लो तुम्हारे भाई ने पूरा। ऐसा मैंने रॉन्ग टर्न मूवी में देखा था, वो सामने से लोग आते हैं और ऐसे जाते हैं और वो कील पूरी की पूरी घुस जाती है इंसान के शरीर में, तो ये ऐसे उन सोल्जर के साथ करते थे। तो अभी हम इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं, अभी हम गोलियां चलाने जा रहे हैं, है ना, AK-47 से बंदूक चलाने जा रहे हैं, और ये रियल है, और अभी देखते जाते हैं एक्सपीरियंस क्या होता है। फर्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ मैं लाइफ, नहीं यार सेकंड टाइम कर रहा हूँ। 200 रुपए की एक गोली, 200 रुपए की गोली दोस्तों। हेलो चले मिथवा बंदूक की गोलियां चलाने को। अरे ओ भाई स्वामी, तो ये देखिए कितने ज्यादा खोखे पड़े हुए हैं यहाँ पे निकलने के बाद, दोबारा भर के दोबारा बेच देंगे, ऐसा वही होता है, कान में आएगा बंद कर ले। यस थैंक्स, अब लगाते इसको। एक गोली चलाने के बाद हमारी तो किस्मत ऐसी है कि दिक्कत ही होगी,
पूरी की पूरी बंदूक में कुछ पता नहीं अटक गई गोलियां क्या हो गया। कोई नहीं, हमारे तो वीडियो लंबी हो गई जीवान ने। गाइस अभी हम घूम फिर के आ गए और अभी हम जा रहे हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे चलते हैं सामने। मुझे पहले यही तो खाना है, दूध भी मिल जाएगा अंदर। अभी जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इंडियन खाना कैसा है और उसका टेस्ट कैसा है, मतलब आप कहाँ पे जा सकते हो अगर यहाँ पे आओ बुईविन में। तो तंदूरी रोटी हमारी, दाल मखनी आ चुकी है और टिक्की हम खत्म कर चुके हैं यहाँ की, सॉरी आपको दिखाई नहीं मैंने, वो चटनी आया है बड़ी मस्त है और ये लस्सी मंगाई हमने। और यार ये बात तो 100% सच है, वियतनाम के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही हसमुख हैं, प्यारे लोग हैं, हमेशा आपसे अच्छे से बात करेंगे। मैं जितनी भी कंट्रीज़ गया हूँ सबसे अच्छे लोग मुझे अभी तक वियतनाम के ही मिले हैं। दोस्तों कल खाने पीने के बाद हम सो गए थे, थक गए थे और अभी हो चिन में शहर हो चुका है ख़त्म, बट यहाँ ज़्यादा अच्छे से नहीं घूम पाए क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रखी थी। अभी हम ऐसे ही मौसम में आ रखे हैं इस टाइम कि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बोलते हैं कि 6 महीने बारिश रहती है और 6 महीने नॉर्मल रहता है। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अभी हम जा रहे हैं दनंग जा रहे हैं और वहाँ पे हमारी फ्लाइट है, मतलब हमें 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। यहाँ से होगा 600-700 किलोमीटर है ना, 800 किलोमीटर है, 1 घंटा लग जाएगा। हाँ, 1 घंटा 20 मिनट। तो बस वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद अभी हम वहाँ पे जाएंगे होयन, वहाँ पे होयन जगह है, वहाँ पे ढाई घंटे नहीं, वहाँ भी कितने देर लगेगी कैब से जाने में, 1 घंटे के अप्रोक्स, वहाँ भी 1 घंटा लगेगा कैब से जाने में। तो उसके बाद दनंग जाएंगे, मतलब 6-7 दिन और हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके धन्यवाद, ध्यान रखना अपना।